हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्किल मास्टर में। तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अगर एक इंस्ट्रक्टर है, अगर आपने CITS कर लिया है, 3 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, आप पूरे एलिजिबल हो और आप देखना चाहते हो कि आपके एरिया के अंदर, आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आपके स्टेट के अंदर कितनी वैकेंसीज हैं अभी इंस्ट्रक्टर के लिए, तो ये सारा डाटा NCVT की ओर से, यानी कि DGT है उनकी ओर से अपलोड किया गया है, ताकि आप देख सको कि कितने इंस्ट्रक्टर की अभी वैकेंसी आपकी वैकेंट है, कौन सी प्राइवेट ITI में आपकी वैकेंसी है, कौन से गवर्नमेंट ITI में आपकी वैकेंसी है। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हो इससे कि अगर मान लो वैकेंसी आती है 1 साल में 2 साल में, तो आपकी जॉब सीट्स है वो कितनी वैकेंट होंगी। और साथ ही साथ अगर मान लो कोई प्राइवेट ITI है, आप चाहते हो कि आपने अभी 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 CITS किया है, आप चाहते हो कि आपके पास एक्सपीरियंस हो प्राइवेट ITI के अंदर, तो भी वहाँ वो भी आप चेक कर सकते हो कि कौन से प्राइवेट ITI के अंदर आपकी जो सीट है वो वैकेंट है, और आप वहाँ जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो NCVT का पोर्टल है उसको ओपन करना है। अगर आपको इसका लिंक नहीं पता तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ एक आपको ऑप्शन दिखेगा इंस्ट्रक्टर का, आपने इंस्ट्रक्टर को सर्च नहीं करना है, यहाँ पे आपने इंस्ट्रक्टर डाटा पे क्लिक करना है। इंस्ट्रक्टर सर्च वो होंगे, अगर मान लो आप एक इंस्ट्रक्टर हो, ठीक है, आपका डाटा ऑनलाइन हो चुका है, तब आप अपनी डिटेल पूरी डाल के वहाँ से इसको चेक कर सकते हो कि आपका डाटा ऑनलाइन हुआ या नहीं हुआ। आपने क्या करना, अगर आपने सीट वैकेंट देखनी है इंस्ट्रक्टर की कितनी है, तो आपने इंस्ट्रक्टर डाटा पे क्लिक करना है। तो इससे क्या होगा, एक एक्सेल फाइल आपके यहाँ डाउनलोड हो जाएगी। अब आपने इसको क्या करना है, ओपन करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने फिल्टर लगाना है यहाँ पे, ठीक है, फिल्टर का यूज करना होगा, शॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करना और फिल्टर। तो आपने फॉर एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर मान लो आपका स्टेट है हरियाणा, तो आपने जो ITI स्टेट है उसको, ये सिलेक्ट ऑल है, इसको अनचेक करके यहाँ सर्च करना है हरियाणा, ठीक है, हरियाणा को आपने सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। तो जितने भी हरियाणा स्टेट की ITI है, उनके डिस्ट्रिक्ट है, उनके बाद सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि कितनी आपकी सीट जो वैकेंट है टोटल हरियाणा के अंदर, ठीक है। अगर आपको और ज़्यादा स्पेसिफिकली देखना है कि आपके स्टेट की नहीं, आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट की देखने की, मेरे डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज है इंस्ट्रक्टर की, तो वो कैसे सर्च करूँ मैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये जो ITI डिस्ट्रिक्ट है इस पे जाना है, इसको अनचेक करना है सिलेक्ट ऑल को, और आपने जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसमें देख लेना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ हिसार सर्च करूँगा, हिसार को मैंने चेक किया, तो हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी ITIs हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएगी। तो आप फर्क देख सकते हो, जैसे कोई गुरुधाम प्राइवेट ITI है, ट्रेड काउंट कितनी है, 1 है, शिफ्ट कितनी है, 2 है, यूनिट काउंट कितनी है, 4 है, यानी कि मान लो 4 यूनिट है आपकी, तो कम से कम 4 इंस्ट्रक्टर आपके होने चाहिए जो CITS क्वालिफाइड है, ठीक है, CITS क्वालिफाइड है प्लस ITI वाले हैं, ठीक है। इस तरह से आप एक रफ सा एस्टिमेट लगा सकते हो। अब देखिए, ये जो प्राइवेट ITI है इसका MIS कोड दिया हुआ है, अब आप इसको, इसका नाम नहीं लिखा हुआ, तो आप इसको कैसे सर्च करोगे, वो आप NCVT के पोर्टल पे जाके ये कोड डालोगे और वो आपको बता देगा कि कौन सी ये ITI है, ठीक है। ITI सर्च में जब जाओगे, ये कोड वहाँ सर्च करोगे, तो आपकी ITI का पूरा नाम आ जाएगा, पूरी डिटेल आ जाएगी, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे। अब देखिए, ट्रेड कितनी है, 4 ट्रेड है, शिफ्ट कैसी है, 11 शिफ्ट है, यानी कि अलग अलग शिफ्ट है, डे और नाइट की जो शिफ्ट होती है वैसे है, और यूनिट काउंट कितनी हो गई, 26, ठीक है, यूनिट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ये यूनिट होती है ना, तो ऐसे टोटल कितने, 26 यूनिट होगी, और आपके जो इंस्ट्रक्टर है सिर्फ 4 हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्टर कितने हैं, सिर्फ 4 इंस्ट्रक्टर हैं। तो मान लो अगर एक इंस्ट्रक्टर एक यूनिट पे भी है, अगर एक क्लास में एक इंस्ट्रक्टर भी आपको देता है, तो कम से कम आपके जो वैकेंसीज हैं वो 22 यहाँ पे वैकेंसीज हो गई, ठीक है। तो टोटल आपके हिसार डिस्ट्रिक्ट में चेक करेंगे, आपने क्या करना है, आपने इनको यूनिट काउंट को सिलेक्ट करना है, ठीक है, इनको सिलेक्ट किया और आपने यहाँ क्या कर दोगे, ऑटो सम। तो जो एक डाटा है कि 617 आपकी यहाँ पे यूनिट काउंट है, 617 आपकी क्लासेस है ऑल ओवर आपकी हिसार डिस्ट्रिक्ट में, और उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो आपके इंस्ट्रक्टर है उस पर ऑटो सम करना है। तो देखिए, 617 पूरी यूनिट है और 264 आपके इंस्ट्रक्टर यहाँ हैं जो आपके लगे हुए हैं, तो सीट वैकेंट कितनी हुई, आपने इसको माइनस कर देना, सिंपल सी बात, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि 353 आपकी वैकेंसीज हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के अंदर, ठीक है। अगर आपको इसमें से प्राइवेट हटाना है, तो आपने क्या कर देना है, फिल्टर में फिर से जाना है, आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है जितने भी आपकी प्राइवेट ITI, उनको यहाँ से आप रिमूव कर दोगे,
तो आपको इससे क्या पता चलेगा, जितने भी ITI हैं गवर्नमेंट उनका आपको एस्टिमेट पता चल जाएगा कि कितनी आपकी वैकेंसीज खाली होने वाली है। ये जैसे हम श्रीराम प्राइवेट ITI है, इनको हम क्या करेंगे, हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, अब आप कहोगे कि मुझे कैसे पता चलेगा प्राइवेट है गवर्नमेंट है, तो आपने क्या करना है, ये जो नंबर होता है PR क्या होता है, PR का मतलब प्राइवेट होता है, ठीक है, इसको अनचेक कर देना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, PR प्राइवेट और GU यानी कि गवर्नमेंट। अब ये जितनी भी ITIs रहेगी ये सारी गवर्नमेंट ITIs, ठीक है, ये जितने भी ITIs है कितनी है हमारे पास, गवर्नमेंट ITI। तो अभी क्या है, जितनी भी आपकी ITI है वो यहाँ पे गवर्नमेंट ITI आ चुकी है, हिसार डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गवर्नमेंट ITIs है वो यहाँ पे आ गई है। तो अब क्या हुआ, 319 आपकी यूनिट काउंट है और इंस्ट्रक्टर काउंट कितने, 194। तो आप कह सकते हो कि लगभग आपकी जो 100 सीट्स हैं वो वैकेंट हैं, ठीक है, 100 इंस्ट्रक्टर की वैकेंट हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो गई। तो इस तरह से आप अपना एस्टिमेट लगा सकते हो। आपने जस्ट क्या करना है, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है और उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट और स्टेट सेलेक्ट कर लोगे, जितना भी आपका डाटा है वो आपका यहाँ शो कर जाएगा। अभी हम दोबारा देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का, अभी मैंने हरियाणा का बताया, आप उत्तर प्रदेश का भी देख सकते हो यहाँ से, सिंपल है, उसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। उत्तर प्रदेश, उसके बाद मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया आगरा, आगरा में जितने डिस्ट्रिक्ट में जितने ITIs हैं वो यहाँ पे शो हो गए, ठीक है। अब आप जितने भी ITI प्राइवेट और गवर्नमेंट जितने भी है इनको यहाँ से देख सकते हो, और अगर आप प्राइवेट को क्या करोगे, अनचेक कर दोगे, तो गवर्नमेंट कितनी वैकेंसी हो सकती है आपके यहाँ वो आपको पता लग जाएगी। तो ये आपकी कितनी क्या है, गवर्नमेंट है। तो देखिए कितना फर्क है, 170 आपकी यूनिट है, ठीक है, 170 टोटल यूनिट है, 7 उसमें इंस्ट्रक्टर हैं, 163 वैकेंसीज हैं आपके यहाँ, ठीक है, तो 163 आपकी वैकेंसीज है, इस तरह से आप पता लगा सकते हो। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, अगर मान लो आपने सर्च करना हो प्राइवेट ITI तो वो कैसे सर्च करोगे, आपने यहाँ से जो कोड है MIS कोड, इसको कॉपी किया और आपने क्या किया, जो ITI सर्च है उसमें गए, ITI सर्च में गए और आपने क्या किया, ITI MIS कोड था उसको यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। एग्जाम सिस्टम आपको सेलेक्ट करना होगा एनुअल या सेमेस्टर, तो आजकल एनुअल एग्जाम हो रहे हैं, आपको यहाँ पे सर्च कर देना। तो ये जो ITI थी उसका पूरा डिटेल यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। पहले क्या था, आपको सिर्फ प्राइवेट ITI दिखाई जा रही थी, उसका पूरा डिटेल यहाँ से आपको पूरा दिख जाएगा, कौन कौन सी ट्रेड है, कितनी शिफ्ट है और कितनी सीट्स वैकेंट हैं। ये क्या सीट वैकेंट दिखा रहा है कि भैया कितने एडमिशन हो चुके हैं, बच्चों के एडमिशन दिखा रहा है, आपके इंस्ट्रक्टर का नहीं दिखाएगा, इंस्ट्रक्टर का आपको इस शीट के अंदर ही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यही थी पूरी इन्फॉर्मेशन, कैसे आप इंस्ट्रक्टर का डाटा सर्च कर सकते हो, कैसे आप देख सकते हो कितनी वैकेंसीज आपकी यहाँ हैं। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल स्किल मास्टर को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको मिलती रहे, जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।